आठवां ये फिनिश पॉइंट मिल जाएगा ब्लाइंड को। एंड अभी ओवाल के जो मैच है जो अकेले बचे हुए हैं ना मैक्स, उनके लिए चैलेंज रहेगा, वो बन सकते हैं यहाँ पर पार्टी। स्पॉइलर स्प्रे गॉड ने स्प्रे डाला जरूर, मैक्स ने एक नॉकआउट भी निकाल दिया है, ये बहुत बड़ा मौका है। स्प्रे गॉड आते हैं जरूर, उनको एक नॉकआउट निकाला, उन्होंने कंफर्म किया है प्लेयर को, बट इंस्टेंट ट्रेड आता है इस पावर की तरफ से। रॉनी नकुल दो प्लेयर्स नॉकआउट है, एंड रॉनी नकुल को अगर रिवाइवल नहीं दिया गया तब ये गेम बिगड़ सकता है। अलादीन का एक ग्रेनेड आएगा जिससे ना सिर्फ नॉक फिनिश पॉइंट भी एक और मिल जाएगा। सेवन से स्पोर्ट्स के लिए ये पहला चिकन डिनर हो सकता है, बट एस्पावर ही इज पुटिंग अप अ फाइट, ही इज पुटिंग अप अ चैलेंज। एस्पावर इट इज हु क्लचेस दिस आउट। सेवन से स्पोर्ट्स को एलिमिनेट करेंगे एस्पावर, अगेन कमिंग इन विद अ 1v2 ऐसे क्रूशियल मोमेंट्स पे, एंड आई थिंक इट्स हिज चिकन डिनर बिकॉज़ ग्लैडिएटर्स के लिए तो देखिए अकेले एक प्लेयर है डेस्ट्रो जरूर, बट डेस्ट्रो ही इज यूजिंग द इंटेल, उनको पता है दो प्लेयर्स नॉट आउट है। डेस्ट्रो इज कमिंग इन फ्रंट हियर, ट्रेड गया जरूर, इस पावर को टॉच कर जाते हैं, डीपीएस रिलोड कर लिया, उन्होंने रिवाइवल दिया जा रहा है, बट डेस्ट्रो के पास हीलिंग्स नहीं है, वो हील करे तब ही आगे आना स्मार्ट मूव रहेगा। उनके पास हीलिंग्स कुछ है ही नहीं, ना बैंडेजेस है ना फर्स्ट एड से, ऐसे हवे में गोलियां वो चला रहे हैं। रेमिनिस्ट करेंगे, इनको निकाल लिया गया, इस पावर के ऊपर डैमेज पड़ा है जरूर, ये 1v1, एस पावर इज द वन हु स्टैंड्स टॉल अबव एवरीवन। ब्लाइंड का आज का दूसरा सेकंड डिनर कर्टसी टू एस पावर। एंड फाइनली जो ओवरऑल स्टैंडिंग पे है वो फर्स्ट पोजीशन लेते हुए नजर आएंगे, वेलोसिटी से छीनते हुए नजर आएंगे, बट क्या खेल रही है ये टीम, जहां पे इनके पास कंट्रोल नहीं था, सारी टीम्स दिक्कत दे रही थी शुरुआत में ही।